तो क्या है अपडेट सुनने के लिए आप लोगों को एंड तक तो बने रहना है इस वीडियो पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी फेसबुक का एक क्रिएटर स्टूडियो ओपन करके बैठा हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इनसाइट पे आया और रिटेंशन पे क्लिक किया ताकि आज के अपडेट को आप लोगों को अच्छे से समझा पाओ। अभी एक पेज का मैंने एग्जांपल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज का जो रिकमेंडेशन एल्गोरिथम है वो 17.6% गया है। अब जैसे आप कोई भी पेज का रिकमेंडेशन को कम देखोगे तब आपको एक डाउट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मैंने ही आप लोगों को बताया है कि पेज तभी वायरल होगा, पेज का रीच एंगेजमेंट तभी बढ़ेगा जब रिकमेंडेशन एल्गोरिथम से ज्यादा प्रतिशत आपका व्यूज एंगेजमेंट रीच आएगा। तो ये जो अभी रिकमेंडेशन है वो 17% है, इसका मतलब है इस पेज का रिकमेंडेशन से व्यू कम आ रहा है एज कंपेयर टू अदर पैरामीटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉलोअर्स से 75.2% आ रहा है रीच एंगेजमेंट। तो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होना लाजमी, वो डाउट है क्या इस पेज का फेसबुक ने डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर दिया है, क्या इस पेज का रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को फेसबुक ट्रिगर करना बंद कर दिया है। अब हम कैसे पता करें कि फेसबुक का रिकमेंडेशन अभी भी छूटा है, खुला है, जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या हमारा पेज इतना स्पैम हो गया, इतना खराब हो गया, क्या पेज डेड हो गया, क्या फिर से वो रिकमेंडेशन पे नहीं जाएगा, और ना जाने कितने सारे डाउट जब भी हम लोग रिटेंशन पे आके देखते हैं हमारे पेज का रिकमेंडेशन एल्गोरिथम हिट नहीं कर रहा है। आमतौर पे मैं ही आप लोगों को कहा है कि ये रिकमेंडेशन अगर 70-80-90% होता है तो रिकमेंडेशन अच्छा खासा माना जाता है। अब यहाँ पे जो भी व्यू इस पेज पे ज्यादातर आ रहा है, ऑडियंस देख रहा है, वो देख रहा है फॉलोअर्स जो इस पेज को फॉलो करके रखा है, और शेयरिंग भी इस पेज का जो मतलब प्रतिशत है वो भी कम ही है, और शेयरिंग कम भी होगा अगर रिकमेंडेशन खुला होगा तो ही पेज का वायरल फैक्टर आता है, रिकमेंडेशन पे जाता है और पेज जो है वायरल होता है, पेज का कंटेंट वायरल होता है। ये पूरा मैटर आप लोगों को पहले ही मैं समझा के रखा, मगर आज का जो ये वीडियो है यहाँ पे डाउट ये है क्या इस पेज का रिकमेंडेशन अभी छूटा नहीं है, खुला नहीं है, क्या ये पेज डेड हो गया है, क्या ये पेज फिर से रिकमेंडेशन पे जाएगा या नहीं जाएगा, वो कहां से मालूम। हालांकि देखने से तो यही लग रहा है कि रिकमेंडेशन एल्गोरिथम का 12 बज चुका है, रिकमेंडेशन पे नहीं जा रहा है। तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फेसबुक अभी एक नया अपडेट लाया है और उस अपडेट के तहत आप लोग भले आपके रिकमेंडेशन कम हो या ज्यादा हो, आपका रिकमेंडेशन पेज का खुला है कि नहीं, आपका रिकमेंडेशन फेसबुक लेके जा रहा है कि नहीं रिकमेंडेशन पे, वो आप आराम से जान पाओगे और उसको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा आपके पेज पे। तो मैं ये पेज को खोल लिया, यहाँ पे स्विच करके प्रोफाइल टू पेज पे स्विच करके यहाँ पे आगे आने के बाद आपको भी कुछ इस तरीके के प्रोफेशनल डैशबोर्ड नजर आएगा, इस पे आपको करना है क्लिक। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके आना है और पेज एक्सेस वाला जो ऑप्शन होगा उस पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने कर दिया क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो न्यू पेज एक्सपीरियंस के नया नया ऑप्शन है यहाँ पे फेसबुक ने एक न्यू फीचर को ऐड किया है और वो फीचर है पेज रिकमेंडेशन। ये अभी भी बहुत सारे पेजों पे नहीं आ रहा है, इवन मेरे पेज पे भी मैं जाके चेक किया तो मेरे पेज पे भी वो अभी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन करके कोई ऑप्शन नहीं है, मगर कोई कोई पेज पे जैसे कि इस पेज पे पेज रिकमेंडेशन फीचर आ रहा है, यानी कि फेसबुक अभी इसको टेस्टिंग मोड पे लिया है, कुछ कुछ पेजों को दे रहा है। तो आपके पेज को दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये वीडियो एंड होने के बाद जरूर चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ताकि एज ए कम्युनिटी हमें पता चले कौन से देश से, कौन से मुल्क से, कौन से सिटी से अभी पेजों पे पेज रिकमेंडेशन वाला फीचर ऐड कर दिया गया है। ये जो अपडेट है इससे आपको पता चलेगा क्या आपका पेज रिकमेंडेशन पे जा रहा है, क्या फेसबुक आपके पेज को रिकमेंडेशन पे लेके आ रहा है। तो इसको देखने के लिए आपको पेज रिकमेंडेशन पे क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करूंगा आपको कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जहां पे लिखा हुआ है पेज रिकमेंडेशन, और यहाँ पे अगर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेबल। तो रिकमेंडेबल के ठीक नीचे दो मेन पॉइंट है, एक है कंटेंट इज रिकमेंडेबल और एक है पेज हैज सम वायलेशन। ये पेज अभी फिलहाल यहां से देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये पेज अभी भी रिकमेंडेशन फेसबुक खोल के रखा है, तभी यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क है। अगर ये ग्रीन टिक मार्क येलो हो जाता है या फिर रेड हो जाता है, इसका मतलब है आपके पेज पे
रिकमेंडेशन का कोई भी परसेंटेज हो इनसाइट के अंदर रिटेंशन पे जाने से, मगर पेज का रिकमेंडेशन खुला नहीं है। मगर ये पेज हालांकि अभी हमने देखा रिकमेंडेशन एल्गोरिदम में रिकमेंडेशन का जो परफॉर्मेंस है मेट्रिक्स का वो खराब है, मगर उसके बावजूद भी इस पेज का रिकमेंडेशन अभी भी खुला है, इसीलिए कंटेंट इज रिकमेंडेबल लिखा हुआ है। और कंटेंट तब तक रिकमेंडेबल लिखा रहेगा जब तक आपके पेज पे स्पैम नहीं होगा, जब तक आपके पेज पे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डाला जाएगा, जब तक आपके कंटेंट के जो आप रीच है उसको आर्टिफिशियली बूस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। ये पेज का अभी भी हेल्दी मतलब कन्वर्सेशन है, इस पेज पे जो कंटेंट शेयर हो रहा है वो ओरिजिनल है, इस वजह से अभी भी रिकमेंडेशन छूटा है। हालांकि ये पेज का ओनर बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट कर रहे हैं, जिसके वजह से रिकमेंडेशन खुला होने के बावजूद भी फेसबुक उतना रिकमेंडेशन पे नहीं लेके जा रहा है। मगर ये पेज का ओनर अगर मिस्टेक करना बंद करेगा, रिपीटेडली मिस्टेक नहीं करेगा, तो अभी भी ये पेज डेड नहीं हुआ है, इस पेज का रिकमेंडेशन पे जाने का अभी भी चांस है। तो ये हमें यहाँ से देखने से पता चल चुका है। हालांकि इस पेज पे एक पेज वायलेशन भी है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ग्रीन टिक नहीं है, ये वाला येलो पे है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमें वायलेशन कौन सा है वो भी पता चल ही जाएगा। अगर आपको पता करना है आपके पेज का वायलेशन है कि नहीं, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके मोर डिटेल पे जान सकते हो, और उसके साथ आपका पेज अभी रिकमेंडेबल है या नहीं है वो भी आप यहाँ से देखने से पता चल जाएगा। तो ये जो अपडेट है फेसबुक की तरफ से अभी नया नया आया है, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो, और मैं प्रोग्राम करता हूं दोस्तों, बाय।